और फिर निकलता हूँ इलेक्शन ड्यूटी के लिए। वोट डालना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं आ गई वोट डालने। नमस्ते, ये देखो अब आए दोनों, ये आ गए बुग्गी लेने। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सुबह का दिन है और टाइम हो गया है 3:30, 3:30 का टाइम हो गया है। हम उठे थे 3:45 क्योंकि आज इलेक्शन ड्यूटी है इनकी। गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। अभी इन्हें पहन के बैठे हैं, ऊपर भी नहीं डाला कुछ भी, और मैंने लंच वंच नाश्ता वाश सबको रेडी कर दिया है। माता रानी की पूजा हमारी इधर हो गई है। जय माता रानी। क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं, जाने से पहले माता रानी की पूजा हम जरूर करते हैं। दिखाती हूँ मैंने इनकी लंच में, नाश्ते में नहीं, लंच में क्या बनाया है। लंच में मैंने बनाया है छोले, ये देखो छोले बनाए हैं, और जीरा राइस। ये जीरा राइस बनाए हैं, ये बना दोनों टिफिन पैक कर दिए हैं वहाँ ले जाने के लिए। मैंने लंच पैक करके दे दिया है क्योंकि जब इलेक्शन ड्यूटी होती है तो वहाँ बाहर का खाना अलाउड नहीं होता, ना बाहर का खाना ला सकते आदमी और ना खा सकते, तो लंच देना जरूरी था, तो इसलिए हम जल्दी उठे थे आज। लंच वंच मैंने पैक कर दिया है ताकि वहाँ दिक्कत ना हो और लंच वंच हो जाए, क्योंकि रात का पता नहीं किस टाइम तक आएंगे। अभी स्कूल पे तो 3:30 हुए हैं, अभी निकल जाएंगे थोड़ी देर में। तो इलेक्शन ड्यूटी कुछ ऐसी होती है, कभी बाहर का ना मिले, कुछ ऐसे किसी चीज़ हो जाए तो कम से कम अपना खाना खा लें। थोड़ा बताओ अभी। अभी मेरे को ड्यूटी है ट्रेजेडी ऑफिसर की, तो मैं रेडी हो गया हूँ। अब मैं यहाँ से कैब करता हूँ और फिर निकलता हूँ इलेक्शन ड्यूटी के लिए। नाश्ता मैंने थोड़ा सा कर लिया, थोड़ा सा बहुत अच्छे चावल बने हुए थे। और ऑल द बेस्ट, मेरी पहली ड्यूटी है ट्रेजेडी ऑफिसर की। चलो काफी काम है, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, मैंने बैग भी, मेरा ये बैग ये देखो, इतना भारी बैग है ये जो लेके जाना पड़ेगा। और ये सेल्फ बैग है जो अपना लंच वंच और फ्रूट वूट जो लेके जाएंगे, जो भी इनको लंच देते हैं और फिर टाटा बाय बाय करते हैं। कैब कर लो अपनी, कर इनको करते हैं बाय बाय। चलो मैं माता रानी सब अच्छा करेंगी, बाय। जाने जाना, फोन कर देना, मेट्रो में बैठो, ठीक है, बाय बाय बाय। चलो जी, ये निकल गए हैं, अब लोग करते हैं और अंदर चलते हैं। जी हम नहा धोके हो गए हैं, बिल्कुल रेडी, और आज वोट डालनी है, तो अभी वोट डालने। वोट डालना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये सबको वोट डालनी चाहिए कि यही है जहाँ अपने मन की कर सकते हैं। हम कर किसी को पता भी नहीं लगता कहाँ डाली हमने। तो वोट जरूर डालेगा, आप सब भी वोट जरूर डालें, क्या पता कौन जीत जाए और कौन हार जाए। हर एक वोट की कीमत होती है। तो माता रानी की मेरी पूजा हो गई है। जय माता रानी। मैंने दोबारा से की है, एक बार 4 बजे करी थी, एक बार दोबारा अब करी है। तब चलते हैं वोट डालने। मैं गई वोट डालने, यहाँ पर्चियाँ मिल रही हैं, पर्चियाँ लेते हैं फिर चलते हैं। हम यहाँ बहुत देर से खड़े हैं और फाइनली मेरी वो मिल गई है पर्ची। काफी देर से तंग हो गए थे, अब पर्ची मिल गई है, पर्ची मिलेगी फिर चलेंगे अंदर वोट डालने। आपकी तो मिली हुई है पहले से, अब मेरी मिली है, चलते हैं। अभी यहाँ ज़्यादा भीड़ है नहीं, ये सिर्फ पर्चियाँ निकाल के दे रहे हैं यहाँ से, और आधार कार्ड से नहीं दे रहे आपकी बार, सिर्फ वोटिंग कार्ड नंबर से ही दे रहे हैं। तो अपना वोटिंग कार्ड नंबर लेके आए, पर जब तक मैं ये ब्लॉग डालूंगी तब तक वोटिंग हो जाएगी। पर आगे से ध्यान रखना, जब भी आप आओ तो अपना वोटिंग कार्ड आधार कार्ड दोनों चीज़ साथ लेके आए। अब पर्ची लेते हैं, चलते हैं अंदर। हम आए थे सुबह के 11 बजे, 1 घंटा हो गया पर पर्ची नहीं मिली है मेरी। अब देखते हैं वहीं जाके, वहीं निकलवाएंगे उनसे, कितने परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब एक मन कर रहा है कि वोट ना डालें, चले जाएँ घर, पर एक बार देख लेते हैं, अगर मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर घर चलेंगे। अभी चलते हैं। ये आत्मा कार्ड लिख दिया आपने? मैंने लिखा दिया। और फाइनली पर्ची मिल गई है 1 घंटे के बाद, ढूंढने के बाद। अब जाते हैं वोट डालने, अब वोट डालेंगे, अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा। अंदर भीड़ हो गई है, कुछ क्या हो गया पता नहीं, अब अंदर चलते हैं। तो फाइनली वोटिंग हमारी हो गई है, दिखाओ अपने भी। ये पूछना अभी किसको दी है, ये कल बताएंगे आपको हम कि किसको वोट दी है। अब चलते हैं घर, यहीं से निकलोगे? अब चलते हैं घर। अब भीड़ होनी स्टार्ट हो गई है पीछे, देखो। अब इनको बता दो भाई पर्ची मत ढूंढो, यहाँ वहाँ जाके ले लो। अब अपने घर चलते हैं और थोड़ा भीड़ दिखा देती हूँ आपको कितनी हुई है अभी। अब कुछ ऐसी भीड़ है, यहाँ भीड़ कम हो गई है क्योंकि पर्ची दिखा के दे नहीं रहे हैं, घर चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं मित्राओ, एक बार मित्राओ जाएंगे, थोड़ा कुछ काम है वहाँ, तो फिर वहीं से चर्चा जाएंगे। मित्राओ चलते हैं, मित्राओ चल कर आपसे मिलते हैं। चारों तरफ वोटिंग वालों की इतनी भीड़ है कि पूरे रोड पे जाम लग गया है। पर्ची काटने वाले बैठे हुए हैं और रोड पे हर तरफ जाम ही जाम है, निकलने की जगह भी नहीं है।
ये बिट्टो खाना खा रही है। बिट्टो बिट्टो ठीक हो गई? फीवर हो गया तेरा? ठीक ठीक हो गई है। ये देखना खाना खा, छोटे रोटी खा रही है देखो। ओए मना कर रही है। हम आ गए मित्राऊ भाई, तुम तो मिलते भी को ना, बड़े बड़े हो गए तुम है ना, है हाँ। ये सारे बच्चे बड़े हो गए हैं। हम आए सविता से मिलने, बहुत दिन हो गए थे मिले नहीं थे। मिली थी कल, मिले थे पर तेरे घर आकर नहीं मिले थे ना, इसलिए मिलने आए हैं आज। आज टाइम था मेरे पास। नमस्ते। ये देखो आप आए दोनों। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ठीक हो दोनों? आंटी नमस्ते। नमस्ते। हम आ गए हैं ऊपर। नो ब्रदर, ये तुसार का रूम है भाई। तुसार तो क्लीन कर रखा है बिल्कुल, एकदम साफ सुथरा है। ये पापा जी करते हैं। ओ तो ऊपर गए हैं। अच्छा हाँ, इस तरह का अच्छा बन रहा है। ऐसा बनवाया मैंने भी, दूसरा बनवाया मैंने वो करके और ऊपर करवाया। हाँ सही लगेगा वैसे वो भी। चलो अब देखते हैं लेखना का रूम। ये लेखना का रूम है, रेखना का रूम भी क्लीन कर रखा है इसके पापा ने। अच्छा चलो, ये स्टडी टेबल है लेखों की। चलो जी, समोसा पार्टी चाय पार्टी हमारी हो गई है। निकलने का टाइम हो गया हमारा, क्योंकि अब मुझे जाना है झज्जर अपना दांत दिखाने। झज्जर क्या हम आ गए ढासा बॉर्डर। ये ढासा बॉर्डर का स्टैंड है, छोटा सा ढासा बॉर्डर है। हम अब सोनू को बुलाया है गाड़ी लेके, अब आता ही होगा थोड़ी देर फिर चलते हैं। ये आ गई है बुग्गी लेने। बुग्गी क्या कर रही है तू? है बुग्गी को नमस्ते भी नहीं करी, हेलो भी नहीं करी। हेलो कर ले, हेलो कर दे, इधर आजा मेरे पास। हेलो करो, हेलो कर दे। देख है, देख देख देख। ओ हो हो, आ जा इधर आजा, फोन दिखाऊंगी जल्दी आजा। फोन देख लो फोन में। और अब चलते हैं झज्जर, झज्जर का रोड। आजा यहाँ बैठाऊंगी मैं, दिखाऊंगी फोन। आजा हम रुके यहाँ पे अमरूद देने। अमरूद खाएगी? अमरूद चक्कर देख लो, यहाँ सारे अमरूद ही अमरूद वाले बैठे हैं ना। मैं देखना दूर तक अमरूद ही अमरूद बैठे। ले चख ले, दो और दे दे काट के इसमें दे, इसी में काट के दे देना। मीठा है? नहीं मीठा देना है भाई, मना कर रहा मीठा दे। अभी ले गया तोड़ का मीठा ना होगा जी। सबकी मना है मीठा बोलो, मीठा नहीं है ना। ये तो सही मीठा है ना, सही लग रहा है। ये सारे लाल है, ये अभी निकाले इन्होंने लाल अमरूद। ये सारे लाल अमरूद है, एक भी वैसा नहीं है ना। ये क्या भाव है? ये 60 का आधा किलो, 120 रुपए किलो। 60 का आधा किलो, 100 रुपए देगा? 100 रुपए लगा ले भैया, ना ना 100 रुपए लगा लो। दो किलो लेने हैं, 3 किलो हाँ ले जाओ, 100 रुपए किलो में। या भी लिए हमने लाल अमरूद, ये सारे डिजाइट लाल है, अलग अलग कर दे भाई इनने। अच्छा बुग्गी, अच्छा है ना? सारे अमरूद वाले हैं वहाँ, वहाँ से वहाँ तक दोनों तरफ अमरूद वाले हैं। देखो ये अमरूद का ही बाजार है पूरा शायद, ये देखना हर जगह अमरूद ही अमरूद दिखाई दे रहे हैं। बुग्गी को मजा आ गया अमरूद खाने में, है ना बुग्गी? अच्छा लगे है ना? है तो जी अमरूद हमने ले लिए हैं, बहुत सारे अमरूद। कितने अमरूद ले लिए? 5 किलो। 5 किलो अमरूद लिए। चलो जी ठीक है, अब चलते हैं। चल भाई अच्छा लग रहा है, खिलाइए खिलाइए। आ कर आ खा तो खाने। मुँह देखना